नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली गई, जिसमें टीम इंडिया को 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब सभी की नजरें हैं कि टीम इंडिया को अब कहां, कब और कितने मुकाबले खेलने हैं। आपको बता दें कि एशिया कप का आगाज तो 30 अगस्त से होगा, लेकिन टीम इंडिया को इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। ये सीरीज आयरलैंड में ही खेली जाएगी और तीनों टी20 मुकाबले डबलिन में खेले जाने हैं। अब जब बात करते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबलों की, तो टी20 मुकाबले जो थे वो भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू हो रहे थे, लेकिन अब आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में टीम इंडिया के मैचेस का जो टाइम है वो बदल गया है। जी हाँ, अब रात 8 बजे नहीं बल्कि शाम 7:30 बजे ये तीनों टी20 मुकाबले शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल भी आपको बताएंगे, टीम इंडिया का स्क्वाड भी आपको बताएंगे और क्या इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए हासिल हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह टीम के कप्तान होंगे। एक लंबे समय के बाद जसप्रीत बुमराह टीम में वापसी कर रहे हैं। चोटिल हो गए थे, टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेले थे, WTC फाइनल नहीं खेले थे, IPL नहीं खेले थे। इन सभी टूर्नामेंट्स को मिस करने के बाद अब जसप्रीत बुमराह एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड के खिलाफ इस सीरीज में वापसी करते हुए नजर आएंगे और यहां पर आपको जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा जो बड़ी बातें इस सीरीज से निकलकर सामने आ रही थी वो ये थी कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जैसे टी20 के प्लेयर्स को ही आराम दिया गया है। हार्दिक पांड्या नियमित तौर पर कप्तान आपको नजर आते हैं टी20 में, लेकिन इस सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या आराम करेंगे और जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं इंडिया वर्सेस आयरलैंड की इस टी20 सीरीज के शेड्यूल पर। पहले टी20 की बात करें तो 18 अगस्त को पहला टी20 मुकाबला डबलिन में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे भारतीय समयानुसार ये मुकाबला शुरू होगा। दूसरा टी20 मुकाबला डबलिन में ही 20 अगस्त को खेला जाएगा और तीसरा टी20 मुकाबला 23 अगस्त को इसी वेन्यू पर खेला जाना है। भारतीय स्क्वाड की बात करें तो जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे, उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, शाहबाज अहमद, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और आवेश खान का नाम इस सीरीज में सामने आता है। तो ये तो बात हुई आयरलैंड सीरीज की। अब इसमें भी कई बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और फॉर्म का टेस्ट इस आयरलैंड सीरीज पर ही हो जाएगा और उसके बाद 30 अगस्त से एशिया कप का आगाज भी हो जाएगा। एशिया कप में भारत को अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में खेलना है। 17 सितंबर को एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फिलहाल सभी की नजरें होंगी आयरलैंड वाली सीरीज पर। वेस्टइंडीज के खिलाफ तो टीम इंडिया हार गई, लेकिन एक बार फिर से बाउंस बैक करने के लिए तैयार होगी जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में। क्या टीम इंडिया आयरलैंड को हरा पाएगी या फिर कितने अंतर से हरा पाएगी या खुद हार जाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपकी क्या राय है। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।